close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So, hello everyone. हम लोग निकल चुके हैं दुर्ग से, रवाना हो चुके हैं मुंबई के लिए, और मुंबई से जाएंगे गोवा. गोवा में बहुत एंजॉय करने वाले हैं, और हमारे बीच में आके सर भी है. मैं समस्त गोवा चीवर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप एकदम एक्साइटेड रहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है. इंजॉयमेंट के साथ साथ बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारा ऐसा इंजॉयमेंट आपको देखने को मिलेंगे. तो बने रहिए इस वीडियो में, और पूरा जिस दिन से गोवा ट्रिप हम लोग का शुरू है, अंत तक एंजॉय करते रहे. पूरा एंजॉय ही एंजॉय आप लोगों को करना है, तो इंतजार कर रहे हैं गोवा के बड़े बड़े समुद्र के बड़े बड़े लहरें. तो यश अनु, तो रेडी रहिए एंजॉय के लिए. ओके बाय, चल मिलते हैं. इतनी गर्मी है मार्केट में, और आपको एक ताज्जुब की बात बताता हूँ कि यहाँ पे एक आदमी कंबल ओढ़ के सोया हुआ है. जरा सुनेंगे आप, ये गर्मी, एसी वैसी चलाओ, इतनी ठंडी है, इतना ठंडी में क्या बोलूँ, क्या बोलते हैं, चादर कोड़ के सोना पड़ रहा है. और उधर अगर देखा जाए, हाय गर्मी एसी वैसी चलाने के लिए बोलते हैं, इधर एसी वैसी मत चलाओ बोल रहे हैं, क्योंकि ठंडी इतने ज़्यादा है, ठिठुर गए हैं. ऐसा लग रहा है कि हम ठंडी के मौसम में आ चुके हैं. मानो मनाली में है, मनाली में है. तो आपको मनाली शिमला आना है तो एंजॉयमेंट मिलेगा ड्रीम लाइफ में. ओके थैंक यू. सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग कर रहे हैं गुड नाइट का समय है, और अभी हम लोग छोए रहे हैं गहरी नींद में छोए हैं हम. जी हाँ, इतनी ठंडी है आपके एरिया में. ठंडी है कि नहीं ठंडी, बढ़िया. हाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, देख सकते हैं. चादर के ससुर और हके सर अपना पूरा जुगाड़ में लगे हुए हैं, देख सकते हैं. ये देखिए हम लोग, हाय गर्मी है. सोचो ये चादर दो चादर के साथ. मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए. चैन आ रहा है, नींद नहीं आ रहा ठंडी में. एवरीवन, आप देख सकते हैं हम लोग चादर के साथ हैं. इधर भी मजा आ रहा है, ये सजा ले रहा है मुझे एक साथ में, और मैं भी इधर मजा ले रहा हूँ. हाय हाय गर्मी नहीं, ठंडी गोल गोल. हाय गुड नाइट एवरीवन. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई. जी हाँ, ये है मुंबई नगरिया, तू देख बबुआ. जी हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं और उतर रहे हैं मुंबई के धरती पे, कदम रख रहे हैं. जी हाँ, ये देखो, वाह, ये उतर चुके हैं मुंबई दर्शन, ये है. सो हम लोग पहुंच गए मुंबई. मुंबई में ये है हल्दीराम, और यहाँ पर हल्दीराम में हम लोग करने वाले हैं शानदार ब्रेकफास्ट. तब तक थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं. फ्रेश होने के लिए हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यूज़ है. और यहाँ पर हम लोग हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल के पास में हैं, और देख सकते हैं बहुत शानदार जगह है. ऐसा है, हमारे साथ आ रहे हैं नरेंद्र सर, आ रहे हैं. चलिए चलिए, और मैं भी इधर हूँ, मुझे भी देख लीजिए. आह वाह, क्या शानदार है, देख सकते हैं. और ये सिटी है, ये मुंबई है. बड़े बड़े बिल्डिंग आपको दिखना चालू हो जाएंगे, और ये मेन टर्मिनल है यहाँ के. सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग, बारिश हो रहा है, बारिश का मजा ले रहे हैं, देख सकते हैं एवरीवन. बारिश जी हाँ, देखो इतने बारिश हो रहा है, भरे गर्मी में बारिश का मजा, ये है मुंबई में सजा. तो आपको भी आना है मुंबई में, देख सकते हैं हम लोग हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनल में है. बारिश तो पूरा भीग चुका है, और हल्की हल्की बारिश हो रहा है, और ज़्यादा हो गया है.
सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग हैं हल्दी राम का रेस्टोरेंट में। जी हाँ, इतने शानदार, और ये देख सकते हैं ट्रेन की जो बोगी होता है उस मॉडल में बनाया गया ये रेस्टोरेंट है। और इस रेस्टोरेंट में अभी हम लोग करने वाले हैं शानदार तरीके से ब्रेकफास्ट। तो आइए देखते हैं कैसे है ये होटल के नज़ारे हल्दीराम। जो कहना चाहिए इंडिया का सबसे स्वादिष्ट खाना यहाँ पर मिलेगा आपको। स्वादिष्ट आप देख रहे हैं, स्वादिष्ट सफ़र का आरंभ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग खाना है ये हल्दीराम का है, और हम धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं गेट की तरफ। ओके, मैं आपको ज़रूर व्यू में दिखाऊंगा, और इतने शानदार है। और ये हमारी गेट है, और मैं यहाँ पास अभी मैं जाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं ये धीरे धीरे व्यू मिलेंगे, ये हल्दीराम का है, और कितने शानदार लग्जरियस फील आप इसे करेंगे यहाँ पास। और हमारे बीच में हमारे सर लोग ऑलरेडी यहाँ पास डिस्कस कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब खाना है और कब खा जाए। कैसा लग रहा है सर आप लोग को? तो आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू भी आपको दिखेगा यहाँ से। यहाँ पास है लोकमान तिलक में है, ऑलरेडी बारिश हो रहा है यहाँ पास। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लोग तो खाने वाले हैं यहाँ के दिलकश और लजीज डिश का। इंतजार करिए, देखेंगे क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। तो आपको जरूर हल्दीराम जल्दीराम नहीं, क्योंकि हल्दीराम में बनता है स्पेशल खाने, और जल्दीराम होता है बाहर जो एकदम जल्दी जल्दी बन जाता है। और यहाँ के व्यूज आपको जरूर मैं दिखाना चाहूँगा, इतने शानदार, वाव, ऐसे है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। ऐसा लगेगा आप ट्रेन में हैं, चल छैया 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 गाना गाते हुए हम लोग अभी खाएंगे, इंजॉय करेंगे, और यहाँ के जबरदस्त लुफ्त का मज़ा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ के जितने भी इनके स्वीट्स हैं, नमकीन्स हैं, है ना, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है इनके, है ना, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारे चीज़ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आपको भी यहाँ पर अवेलेबल सारी चीज़ आपको मिलेंगे, लस्सी वस्सी एवरीथिंग, ये वाश बेसिन है, तो ये सारा है। तो मिलते हैं जल्दी आपको वीडियो में। ओके, दिखना चाहिए। हाँ। सो हेलो एवरीवन, हमारे आ गए मसाला डोसे, और यहाँ के मसाला डोसे ऑलरेडी बताएंगे चेक करके नरेंद्र सर। वाह वाह, जस्ट लुकिंग वाह वाह वाह, आखिर सर बताएंगे कैसे? माइंड दिल खुश हो गया, ऐसा लग रहा है कि एकदम खाते रहूं। नारियल चटनी, ये सांभर, ये मिर्च की चटनी, वाओ वाओ, इतने वाओ वाओ लग रहे हैं सच में, इतने टेस्टी यहाँ पर हल्दीराम। इसलिए बोलते हैं हल्दीराम की जो खाना है लाजवाब, मतलब लाजवाब। ये है ठाट बाट के साथ हम लोग खा रहे हैं, ये स्पेशल है शानदार तरीके से। ओके, मिलते हैं, बाय। सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग निकल चुके हैं मुंबई से गोवा के लिए। ये हमारी ट्रेन है, और बहुत अच्छा ट्रेन है, साफ सुथरा ट्रेन है, बहुत मज़ा आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे मित्र जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये हमारे सहपाठी भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सहकर्मी, और हम लोग अभी जा रहे हैं गोवा। गोवा में मुंबई का टूर है, गोवा दुर्ग से मुंबई, और अब मुंबई से जा रहे हैं गोवा मडगांव स्टेशन। आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। और ये दिखा रहा हूँ,
जस्ट लुकिंग वाउ कर रहा है, बट अभी ट्रेन चल नहीं रहा है, ट्रेन बहुत जल्दी चलेगा तब आपको इसका व्यू जरूर दिखाई देगा, मजा आने वाला है। गर्मी बड़ी सी ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता नहीं। तो ये झमाझम बारिश, इतने बारिश, इतने बारिश कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके साइड के बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये जरूर बतावें। मानसून इधर में आ चुका है, बारिश है, अलर्ट रहिए, तैयार रहिए, बहुत जल्द मानसून को हम लेके आ रहे हैं, एक से दो दिन में छत्तीसगढ़ में पहुँच जाएगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डिमांड बहुत बढ़ने वाले वहाँ पर, नाव देखो देखो जबरदस्त नाव, पूरा लबालब पानी भरने वाला है, पूरा लबालब। कई लोग सोचते हैं कि जिन लोग कभी गोवा नहीं घूमे रहते हैं, जैसे मैं भी जब कभी गोवा नहीं गया था तो मेरे को लगता था कैसे होगा, पहली बार मतलब गोवा नहीं जा रहे थे तो मन में बहुत सारे सवाल रहता है, उधर का दृश्य कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, वहाँ का वादियाँ कैसे होंगे। तो मैं हनुमान जी को जरूर बोलूँगी, एक झलक दिखा है, ये जो जगह देखो कितना पहाड़, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ के उस साइड में आपको समुद्र भी देखने को मिलेगा, बहुत शानदार जगह, मतलब इतना गजब का व्यू है, इतना गजब का वातावरण है, यहाँ का जो वादी है, और ये टर्नल पड़ता है, गुफा पड़ता है, और इतने सारे गुफा पड़ते हैं, जैसे विशाखापट्टनम जाओ तो विशाखापट्टनम में वहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद साहू, उतारने के लिए कच्चे बेचने को उच्च वेलकम है। और सबसे फर्स्ट अभी हम लोग गोवा जा रहे हैं, तो गोवा के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, कैसा ट्रिप है और कैसे इंजॉय होने वाला है। तो हमारे बीच में हमारे गोवा टाउन सीनियर रेडी बैठे हुए हैं, नन दैन मिस्टर हमारे ड्रीम लाइफ के डायरेक्टर मिस्टर हाकिश कुमार सिंह नत्थू सर, जवाब करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जनरली जब तक हम गोवा नहीं जा रहे थे, कहीं पर नहीं जा रहे थे, तो बहुत सारा सवाल बन में रह जाते हैं कि वो जगह कैसा होगा, है ना, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की वादियाँ कैसे होंगी, ये सवाल खा के आता है, इसमें बोलना जरूर है।